नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस स्टडी ट्रैक और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार जैन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम वो चीज आपको बताने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। नॉर्मल रूप से तो कोई भी बता देता है कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, लेकिन जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से, वो चीज हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। अच्छे से आप पढ़ें और आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप संधि के वीडियो देख सकते हैं, समास के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, एक बार आप देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। उसी तरह आज अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया हम आपको बता रहे हैं वो आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक भी आपको, ऐसे नियम भी आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं। सबसे पहले हम देखें अकर्मक। आ मतलब होता है नहीं और कर्म मतलब कर्म, तो मतलब जिसमें कर्म नहीं है वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। और सा मतलब होता है सहित और कर्म मतलब कर्म, तो जो कर्म से सहित होती है वो कहती क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपने वैसे ही पढ़ा होगा कि जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया आती है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है। तो वैसे ही अकर्मक और सकर्मक में हम कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता कर्म और क्रिया के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आपसे कुछ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपका जो स्तर है वो कितना है देख लें थोड़ा सा। आप भी गीता विद्यालय जाती है, आप बताएं इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक? दूसरी है पक्षी उड़ते हैं, आपको बताना है इसमें अकर्मक है या सकर्मक है। नेक्स्ट है सीता पतंग उड़ाती है, अकर्मक है या सकर्मक? चौथा है वह रात भर सोती रही, अकर्मक है या सकर्मक? और नेक्स्ट है जो परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है तैरना। अब तैरना में आपको बताना है कौन सी क्रिया है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई वाक्य नहीं है, तो शब्द दिया है, हम कैसे बताएं? जी हाँ दोस्तों, यही चीज हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में बनते हैं और पूछे जाते हैं। आपने देखे भी होंगे पिछले प्रश्न पत्रों को। तो तैरना में आपको बताना है वो बच्चे ने मम्मी को फोन किया, ये चीज बताना है, तो ये कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि गीता विद्यालय जाती है, ये कौन सी क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया, है ना। पक्षी उड़ते हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। सीता पतंग उड़ाती है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। वह रात भर सोती रही, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तैरना, तैरना क्या है? ये भी अकर्मक क्रिया है। बच्चे ने मम्मी को फोन किया, ये सकर्मक क्रिया है और ये द्विकर्मक क्रिया भी है। द्विकर्मक क्रिया वे होती हैं, जितनी भी द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो बच्चे ने मम्मी को फोन किया, तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। तो मतलब हम आपको बता दें कि जितनी भी द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो यहां पर आपने देखा। अब हम देखें कि किस प्रकार से इनको हमने सकर्मक और अकर्मक बताया है। कुछ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, कुछ नियम के माध्यम से बताएंगे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि किस प्रकार से अकर्मक है और किस प्रकार से सकर्मक है। सबसे पहले जो ट्रिक है, सबसे पहला जो नियम है कि क्रिया में क्या किसे लगाकर प्रश्न करना है, उत्तर आए तो सकर्मक और ना आए तो अकर्मक। क्या लगाना है, किसे लगाना है? जैसे यहां पर दिया है कि श्याम रात भर कंप्यूटर चलाता है। अब आप क्रिया से, क्रिया कौन सी है? से चलाना, है ना। तो आप क्रिया से अपन को क्या करना है? प्रश्न करना है। तो हम करें कि यहां पर क्या चलाता है, हमने क्रिया से प्रश्न किया क्या चलाता है, तो यहां पर आ जाएगा क्या चलाता है? कंप्यूटर चलाता है। हमें उत्तर मिल गया कंप्यूटर चलाता है, मतलब ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है। और उत्तर अगर हमें नहीं मिलता तो कैसी होती? अकर्मक। जैसे नीचे दिया है कि बच्चे रात भर रोते हैं, अब इसे हम क्या लगाएं? क्या रोते हैं? तो उत्तर में क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा। जिन्होंने बच्चे लगाया है, बच्चे उत्तर जिनके आ रहा है वो गलत है, क्योंकि बच्चे क्या है यहाँ पर? कर्ता है। उत्तर में क्या आना चाहिए? कर्म आना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर कर्म था, तो यहाँ पर हमने क्या पूछा? क्रिया से क्वेश्चन किया कि क्या रोते हैं, तो कुछ ने उत्तर निकाला कि बच्चे रोते हैं, बच्चे तो कर्ता है, मतलब ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो पहला नियम आपको
स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि कर्ता से हमें क्या लगाना है, क्या करके क्रिया से क्या करके हमें प्रश्न करना है, उत्तर आए तो सकर्मक, ना आए तो अकर्मक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कुछ क्रियाएं, इसके चार नियम है दोस्तों, चार ट्रिक है। ये चार आपने देख लिए तो कभी आपका क्रिया सकर्मक अकर्मक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्रियाएं जन्म के आधार पर अकर्मक और कुछ क्रियाएं सकर्मक होती है। अब समस्या बनती है कि हम कौन कौन सी क्रियाओं को कैसे पहचाने कि जो जन्म के आधार पर अकर्मक होती हैं, सकर्मक होती हैं, उनको पहचानने का भी बहुत अच्छा आसान तरीका है। देखें, आपके पास एक क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया बताइए। उसी ने बोला था, वह सदा रंगता है, गीता रात भर सोती है, राम दिन भर खाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरी की पूरी अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आप अच्छे से देख लें, उसी ने बोला था, बोलो तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या लगाया, क्या बोला था, उत्तर नहीं आया। सदा रंगता है, क्या रंगता है, उत्तर नहीं आया। रात भर सोती है, क्या सोती है, उत्तर नहीं आया। कुछ का आ गया होगा रात भर, लेकिन इसका नहीं, रात भर गलत है। राम दिन भर खाता है, क्या खाता है, उत्तर नहीं आया। कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां पर तीनों अकर्मक हैं, लेकिन यहां पर जो क्रियाएं हैं वो जन्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक होते, वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखें कि कुछ क्रियाएं जो जन्म के आधार पर अकर्मक होती हैं और सकर्मक होती हैं, उनको हम कल्पना के आधार पर उनके उत्तर आएंगे। जैसे यहां पर आएगा कि उसी ने बोला था, क्या बोला था, कुछ ना कुछ तो बोला होगा, उसने बोला था कि आप घर जाना, है ना। हमने कल्पना के आधार पर इसका उत्तर निकाल लिया कि उसने कुछ ना कुछ तो बोला होगा। वह सदा रंगता है, हमने क्या लगा के प्रश्न किया, क्या रंगता है, तो कुछ तो रंगता होगा, दीवार रंगता होगा, पुस्तक रंगता होगा, कुछ तो रंगता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्तर कल्पना के आधार पर हमारा निकल रहा है, मतलब यहाँ पर ये सकर्मक हो जाएगी और ये भी सकर्मक हुए। गीता रात भर सोती है, अब हम इसमें अगर क्या लगाएं, क्या सोती है, तो क्या कल्पना के आधार पर कोई उत्तर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। और राम दिन भर खाता है, तो दिन भर क्या खाता है, कुछ ना कुछ तो खाता होगा, कल्पना के आधार पर एक इसका उत्तर निकल रहा है, लेकिन गीता रात भर सोती है इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है, मतलब ये अकर्मक क्रिया है। अब ये विधि कहां लागू होगी, जब इस प्रकार की पोजीशन बनती है कि जहां पर आपको लग रही है कि पूरी की पूरी अकर्मक क्रियाएं यहां पर लग रही है, आपने क्या लगाया क्रिया में लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है, तो सभी में ऐसी स्थिति अगर जहां बनती है वहां पर ये जन्म के आधार पर आपको ये नियम लगाना है, नहीं तो अगर सीधे सीधे उत्तर निकल रहा है तो वहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे एक है कि सकर्मक क्रिया बताइए, अब तैरना, जाना, आना, पीना, अब यहां पर आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया, तो अब कल्पना के आधार पर हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। अब जाना तो क्या जाना, नहीं निकल रहा, आना क्या आना, है ना, तैरना क्या तैरना, इसके उत्तर नहीं निकल रहा, लेकिन पीना, पीना का निकल रहा है कि क्या पीना, कुछ ना कुछ तो पीना, पानी पीना, है ना, शराब पीना। इस प्रकार से यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया हो जाएगी वो पीना सकर्मक क्रिया हो जाएगी कल्पना के आधार पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि क्रिया में क्या लगा, अगर कल्पना के आधार पर इसकी पहचान हो गई, कुछ ना कुछ उत्तर आए तो जन्म के आधार पर सकर्मक और उत्तर ना आए तो अकर्मक हो जाएगी। तो ये दो नियम आपने देख लिए। सबसे पहले हमने नियम देखा कि क्या लगाया, उत्तर आया तो सकर्मक, नहीं आया तो अकर्मक। फिर हमने एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पर हमें क्या लगाकर भी ऐसी स्थिति बन रही की सारी क्या लग रही है हमें, पूरे उदाहरण हमें अकर्मक के लग रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, कल्पना के आधार पर हमें ये सकर्मक और अकर्मक लगाना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, है ना। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं, तीसरा नियम जो हमारा है कि प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं या स्वतः होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सदा कैसी होती हैं, अकर्मक होती हैं। जैसे हवा चलती है, हवा चलती है ये स्वतः हो रही है, प्राकृतिक है, ये कैसी होगी, अकर्मक होगी। तारे चमकते हैं, प्राकृतिक है, स्वतः क्रिया हो रही है, ये अकर्मक होगी। उसका जूता काटता है, अब आप यहां पर बोलोगे कि इसमें तो हमने क्या लगाया, क्या काटता है, उत्तर आ गया जूता, तो जूता काटता है यह क्रिया कैसी हो रही है, स्वतः हो रही है, उसका कोई मुंह तो है नहीं,
कि वो मुंह से काट रहा है, आपने जूते को कैसा पहन रखा है, टाइट पहन रखा है, अपने पांव के हिसाब से नहीं पहन रखा है, अपने पांव के हिसाब से पहनना है। यहां पर जूता काटता है कैसी हो जाएगी, अकर्मक, क्योंकि ये स्वतः हो रही है। वृक्ष से डाली टूट गई, अब यहां पर हम आप बोलोगे सर हमने क्या लगाया, क्या टूट गई, तो उत्तर आ गया ना डाली टूट गई। तो ये भी क्या हो रही है, स्वतः हो रही है क्रिया, मतलब ये क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और राम बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इनमें दोनों में कौन सी हो जाएगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्वतः हो रही है। लेकिन राम बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या भरता है, घड़ा भरता है, कौन भरता है, राम भरता है। मतलब यहां पर घड़ा भरने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, मतलब ये क्रिया स्वतः नहीं हो रही है, राम इसको कर रहा है, मतलब ये कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये तीन नियम हो गए। अब चौथे नियम की बात करें कि अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर उन्हें सकर्मक क्रिया भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई स्थिति आए, जैसे आ गई एक क्वेश्चन आ गया कि सकर्मक क्रिया बताइए, आपके सामने हंसना, मरना, उड़ाना और सोना, ठीक है, तो यहां पर तो हंसना क्या हो जाएगी, अकर्मक, मरना अकर्मक हो जाएगी, सोना अकर्मक हो जाएगी, लेकिन उड़ाना क्या है, सकर्मक है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हम प्रत्यय की बात करें कि उड़ना में आना प्रत्यय लगाएं, बाना लगाएं, तो उड़ाना हो जाएगी। जैसे बात आती है कि गीता पतंग उड़ाती है, क्या उड़ाती है, पतंग उड़ाती है ना, तो वो कैसी हो जाएगी, सकर्मक। लेकिन उड़ना क्रिया क्या हो जाएगी, उड़ना जो क्रिया है वो अकर्मक है, लेकिन इसमें जब प्रत्यय लगा जाता है आना या बाना, तो ये कैसी हो जाती है, सकर्मक हो जाती है, उड़ाना। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सकर्मक क्रिया बताइए, उड़ना, रोना या सोना। अब यहाँ पर प्रत्यय के आधार पर ये दिया है, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर ये तो तीनों क्रियाएं कैसी हैं, अकर्मक है। जब ऐसी स्थिति बने तब हमें प्रत्यय के आधार पर जो है क्रिया को सकर्मक बनाना है। तो रोना नहीं बनेगी, सोना भी नहीं बनेगी, उड़ना में आना प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्रिया कैसी हो जाएगी, उड़ाना बन जाएगा, मतलब ये क्रिया सकर्मक हो जाएगी। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंसाया जाता है आपको, और आप सीधे सीधे पढ़ के जाते हैं, उसमें आप गलत करके आते हैं। तो इस प्रकार से आपको चार नियम याद रखना है, एक बार वीडियो देख ली अच्छे से आप कभी नहीं भूल सकते। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अकर्मक क्रिया बताइए, वर्षा हो रही है, गीता रोती है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले अकर्मक क्रिया हमें बतानी है। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों अकर्मक क्रियाएं होते हैं, आपने बताया था कि वर्षा हो रही है, प्राकृतिक जो होती हैं वो कैसी होती, स्वतः होती हैं, वो अकर्मक होती हैं, वो गीता रोती है, ये तो अकर्मक है। तो सबसे पहले हमें जो महत्ता देना है वो किसको देना है, वर्षा हो रही है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कर्ता नहीं है, कम से कम दूसरे विकल्प में कर्ता तो है, तो वर्षा हो रही है इसमें कर्ता भी नहीं है, तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सी होगी, ये वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों अकर्मक क्रिया बताइए, अकर्मक क्रिया खाना, रोना, पीना या फिर रंगना, आपको इन चार में से अकर्मक क्रिया बताना है कमेंट के माध्यम से, और साथ ही बताना है कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है परीक्षा में, क्योंकि अभी तक आपने अकर्मक सकर्मक को सिर्फ ऐसे ही पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, सभी लोगों ने ऊपर ऊपर से आपसे बताया होगा, लेकिन अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से अंदर से, वो चीज आज इस वीडियो में आपकी क्लियर हो गई। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी उपयोगी है, और इसी तरह चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और संधि अगर आपको नहीं आती है तो ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से हमने बताया संधि को, समास को बताया, अलंकार को बताया, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल की, और चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।